ईरान को न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल देने का प्लान क्या पाकिस्तान को उल्टा पड़ गया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में मची उथल पुथल के बीच में क्या भारत अपने चिकन्स कॉरिडोर का प्रॉब्लम हल कर लेगा, क्या भारत के पास आखिरकार भारत के पास कैसे है मौका, जानेंगे क्या करने वाला है भारत और क्या कर सकता है। जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान और इसराइल के बीच एक पूर्ण युद्ध की आशंका के बीच पाकिस्तान ईरान को न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई कर सकता है। ये रिपोर्ट्स उस वक्त आई हैं जब पिछले दिनों इस्लामिक देशों की एक बैठक के दौरान पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा था कि इजराइल के साथ तनाव के बीच इस्लामिक देशों को ईरान को हथियारों की सप्लाई करनी चाहिए। और मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तान ने कई तरह के हथियारों की सप्लाई का प्रस्ताव भी ईरान के सामने रखा है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर हथियार नहीं थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने भी सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए साफ किया है कि वो ईरान को शाहीन-3 मिसाइल नहीं देने जा रहा है, जो इजराइल पर हवाई हमला करने की तैयारी कर रहा है। इजरायली मीडिया एजेंसी द यरूशलम पोस्ट ने 6 अगस्त को रिपोर्ट दी थी कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होता है तो पाकिस्तानी ईरान को शाहीन-3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें देने पर विचार कर रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने इस महीने के शुरुआत में सऊदी अरब में पाकिस्तान और ईरान द्वारा बुलाई गई इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की एक जरूरी बैठक के दौरान हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया की समीक्षा की है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया कि बैठक के दौरान मिसाइलों के ट्रांसफर पर कथित तौर पर चर्चा की गई। आपको बता दूं शाहीन-2 एक 2-स्टेप मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो सॉलिड ईंधन पर चलती है। दावा किया जाता है कि ये मिसाइल परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के पेलोड ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज 2700 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है, जिसका मतलब है कि ईरान को इस मिसाइल को संभावित ट्रांसफर से उसकी मारक क्षमता में खतरनाक इजाफा होगा। लेकिन 9 अगस्त को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने इस बात से साफ इनकार किया कि इस्लामाबाद ईरान को मिसाइल भेज रहा है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में छपी खबरों से पता चलता है कि ईरान को हथियारों की सप्लाई के लिए कुछ खिचड़ी तो पक रही है, क्योंकि 6 अगस्त को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि रूस इजराइल के साथ संभावित संघर्ष से पहले ईरान को रडार और एयर डिफेंस उपकरण दे रहा है। हालांकि रिपोर्ट में उस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम नहीं बताया गया था, लेकिन इससे ये अटकलें लगाई जाने लगी कि ईरान को मास्को से अत्याधुनिक S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली मिलने वाली है। अभी तक किसी भी पक्ष ने ईरान को S-400 डिलीवरी की पुष्टि नहीं की है। हालांकि क्रेमलिन ने इन रिपोर्टों पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन शाहीन-3 मिसाइल ट्रांसफर की खबर सामने आने के बाद पाकिस्तान सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मिसाइल ट्रांसफर के दावों का खंडन करते हुए पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने कहा कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने इस सप्ताह सऊदी अरब में OIC द्वारा बुलाई गई एक आपातकालीन बैठक में भाग लिया, जहां उन्होंने गाजा पट्टी में इजराइल की कार्रवाई की निंदा की और युद्ध विराम और मानवीय सहायता के लिए बेहतर पहुंच का आह्वान किया। इस साल अप्रैल में ईरान और पाकिस्तान ने एक जॉइंट बयान में मांग की थी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इजराइल के खिलाफ हस्तक्षेप करे, जिसमें दोनों ने यह दावा किया था कि इजराइल अपने पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक प्रतिष्ठानों पर अवैध रूप से हमला कर रहा है। यह बयान मध्य पूर्व में बढ़े तनाव के दौरान पूर्व ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की पाकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा के बाद जारी किया गया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं है। उसने हानिया की हत्या की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान ने हमास चीफ की हत्या के लिए सीधे इजराइल को दोषी ठहराया है। विदेश कार्यालय ने कहा है कि पाकिस्तान सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की निंदा करता है, जिसमें नायत्तर और देश से बाहर की हत्याएं शामिल हैं, चाहे उनका मकसद कुछ भी हो। इसके अलावा पाकिस्तान ने गाजा के खिलाफ इजराइल की बमबारी अभियान की कड़ी निंदा भी की है और संकेत दिया है कि फिलिस्तीन के साथ पूरी तरीके से खड़ा है। अब अगर यहाँ युद्ध होता है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं होने जा रहा है, इसलिए क्योंकि ईरान के साथ कोई भी खड़ा नहीं दिख रहा है, ईरान के साथ OIC भी खड़ा नहीं दिख रहा है, और इसी वजह से यहाँ थोड़ा दूरी भी देखने को मिल रही है और ईरान सोच में पड़ा हुआ है कि एक्शन ले
कि नहीं ले, कहीं ये उल्टा न पड़ जाए। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में इस वक्त जो स्थिति है, वो स्थिति हमने आपको पहले भी बताया है कि ये एक ऐसी स्थिति है भरने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय आ गया है। चीन अपने विस्तारवादी नीति पर तेजी से काम करते हुए पड़ोसी देशों की भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश कर रहा है। भारत की ओर बढ़ने पर चीन को भारतीय सेना की ओर से करारा जवाब मिलता है। इसके बावजूद चीन की नजरें भारत के चिकन नेक पर गड़ी हुई है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत के चिकन नेक के रूप में जाना जाता है। 2017 में जब भारत और चीन के बीच डोकलाम संकट पैदा हुआ था, तो ये एक महत्वपूर्ण मार्ग बनकर उभरा था। ये कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी लंबाई है 60 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर चौड़ा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर उत्तर पूर्व को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ये कॉरिडोर न केवल एक जरूरी व्यापार मार्ग है, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार भी है। और आपको बता दूं, ये क्षेत्र बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन से घिरा हुआ है। चिकन नेक कॉरिडोर से तिब्बत की चुंबी घाटी महज 130 किलोमीटर दूर है। हिमालय पर्वत जैसे माउंट कंचनजंगा दो प्रमुख नदियों का स्रोत है, जिन्हें तिस्ता और जलदाखा के नाम से जाता है। ये दोनों बांग्लादेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 50 मिलियन लोगों की आबादी है। ज्यादातर नेपाली और बंगाली अप्रवासी पाए जाते हैं। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये कॉरिडोर उत्तर पूर्वी राज्यों और भारत के व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये उनके बीच एकमात्र रेलवे फ्रेट लाइन भी होस्ट करता है। दार्जिलिंग की चाय और इमारती लकड़ी इस क्षेत्र के महत्व को और बढ़ा देती है। LSC के पास सड़क मार्ग और रेलवे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। इस कॉरिडोर के जरिए ही उन्हें सभी जरूरी चीजों की आपूर्ति की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार ये भारत और इसके पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान देशों के बीच संपर्क को सुगम बनाकर भारत को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए गोल्डन ट्रायंगल के लिए कुख्यात है, जिससे जुड़े म्यांमार, थाईलैंड, लाओस में संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी भी यहां पर प्रचलित होती है। अब ये कॉरिडोर तो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी जिस तरीके से समय आ रहा है, तो यहां पर क्या भारत के पास मौका है कि भारत इसे आगे बढ़ाकर बांग्लादेश के उन हिस्सों पर थोड़ा कब्जा कर ले, और कब्जा करके ये जो चिकन कॉरिडोर है, इस चिकन कॉरिडोर को शामिल कर ले। पर सवाल ये उठता है कि क्या इस वक्त ये चीजें हो पाएंगी? बांग्लादेश में अब एक लंबे समय तक एक शून्य रहेगा, एक खाली जगह रहेगा। वो खाली जगह है पॉलिटिकल खाली जगह। इस खाली जगह को भरना इतना आसान नहीं होगा, और बांग्लादेश में स्थिति वही होगी जो स्थिति इस वक्त म्यांमार में हो रही है। भारत के पास एक उपाय है कि भारत अपनी सेना का इस्तेमाल करे और चिकन कॉरिडोर के इस हिस्से को अपने कब्जे में ले ले। लेकिन हाँ, भारत अगर ऐसा करता है, भारत के ऊपर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगने शुरू हो जाएंगे, ये निश्चित है। दूसरा चीज, अगर भारत यहाँ पर ऐसा करता है, तो हो सकता है कि बाहरी शक्तियां भी फिर यहाँ पर आने लगे, और भी देश अपने अपने यहाँ पर सेना को भेजने लगे। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर भारत ऐसा कुछ करता भी है, तो भारत के पास एक पूरा पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग पोजीशन होना चाहिए, जो इस वक्त नहीं है। भारत के पास इस वक्त गठबंधन की सरकार है, अकेले को बीजेपी को बहुमत नहीं है, इसलिए ऐसा कर पाना आसान भी नहीं होने वाला है। कई तरह के प्रदर्शन होने लगेंगे, कई तरह की चीजें होने लगेंगी, बाहरी ताकतें भी यहाँ आने लगेंगी। तो फिर क्या भारत क्या कर सकता है? भारत एक काम कर सकता है, ये जो पॉलिटिकल शून्य खड़ा हुआ है, इस शून्य को कुछ इस तरीके से भरना होगा कि यहाँ पर अपने प्रभाव वाले लोग रहें, जिससे कि ये कॉरिडोर पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।